अगर आपके फोरआर्म्स मजबूत हैं, बड़े हैं, तो आप भी एक बड़े बॉडी बिल्डर की तरह देख सकते हैं। अगर आप भी अपने फोरआर्म्स बड़े करना चाहते हैं तो आज बात करेंगे कि किस तरह से आप जिम में या घर पर ही अपने फोरआर्म्स बड़े कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपके कोई भी वीडियो मिस ना हो, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी हेल्थ, फिटनेस, ब्यूटी, डाइट, बॉडी बिल्डिंग और सप्लीमेंट्स की रियल इन्फॉर्मेशन, ढेर सारी होम रेमेडीज और कई मोटिवेशनल वीडियोस। तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे फोरआर्म्स एक्सरसाइज की। फोरआर्म्स ही एक ऐसा मसल्स है जिसकी एक्सरसाइज आप डेली कर सकते हैं। तो अगर आपको बड़े, तगड़े, मजबूत और कटिंगदार फोरआर्म्स चाहिए तो आप डेली अपने वर्कआउट के लास्ट में फोरआर्म्स की एक्सरसाइज जरूर कीजिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके फोरआर्म्स के कितने मसल्स हैं। आपके फोरआर्म्स के दो मसल्स पार्ट होते हैं। हाथ के फ्रंट की तरफ जो मसल्स दिखाई देती है उसे फोरआर्म्स फ्लेक्सर्स कहते हैं, और जो हाथ के बैक की तरफ मसल्स दिखाई देती है उसे फोरआर्म्स एक्सटेंसर कहते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं फोरआर्म्स के दोनों मसल पार्ट की एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज नंबर 1, सीटेड रिस्ट कर्ल। इस एक्सरसाइज में आप बार को सीधे हाथ से पकड़कर अपने हाथ बेंच पर रख लें और अपनी कलाई के सहारे बार को नीचे और ऊपर लेकर जाएं। आप चाहें तो डंबल का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आप जिम नहीं जाते या आपके पास घर में बार नहीं है तो आप एक या दो फुट का लकड़ी का डंडा, कोई एक पाइप का टुकड़ा और साथ में एक मजबूत रस्सी और ईंट या कोई भी वजन लें। रस्सी पर ईंट या वजन को बांधकर डंडे पर लपेट लें और फिर उसी तरह किसी टेबल पर हाथ रखकर इस एक्सरसाइज को करें। इस एक्सरसाइज से आपके फोरआर्म्स फ्लेक्सर्स का साइज तेजी से बढ़ता है। इस एक्सरसाइज के 4 सेट लगाएं और हर सेट में ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि फेलियर तक रैप निकालें। हर सेट के बाद 1 मिनट का रेस्ट जरूर लें। एक्सरसाइज नंबर 2, सीटेड रिवर्स रिस्ट कर्ल। इस एक्सरसाइज में आप बार को उल्टे हाथों से पकड़कर अपने हाथ बेंच पर रख लें और उसी तरह कलाई को ऊपर नीचे करें। आप चाहें तो इसमें भी डंबल का यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप घर पर ही एक्सरसाइज करते हैं तो उसी तरह डंडे पर रस्सी बांधकर ईंट या वेट को लटका लें और अपने उल्टे हाथ मेज पर रखकर इस एक्सरसाइज को करें। ये एक्सरसाइज आपके फोरआर्म्स एक्सटेंसर का साइज तेजी से बढ़ाती है। इस एक्सरसाइज के 4 सेट लगाएं और हर सेट में ज़्यादा से ज़्यादा फेलियर तक रैप निकालें और हर सेट के बाद 1 मिनट का रेस्ट जरूर लें। एक्सरसाइज नंबर 3, रिस्ट रोलर। ये रिस्ट रोलर आपको जिम में भी मिल जाएगा, और अगर आप घर पर ही करते हैं तो उसी तरह 1 या 2 फुट का डंडा ले लें और उस पर 1 मीटर की रस्सी बांध कर वजन लटका लें और हाथों को सामने रखकर रस्सी को डंडे पर लपेटें और फिर खोलें। हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए, एकदम टाइट करके रखें। डंडे पर रस्सी को क्लॉकवाइज लपेट कर खोलना और फिर एंटी क्लॉकवाइज लपेट कर खोलना, ये 1 सेट होगा। इसी तरह 3 सेट लगाएं, मतलब 1 सेट में क्लॉकवाइज लपेटें, खोलें और फिर एंटी क्लॉकवाइज लपेटें और फिर खोलें। उसके बाद इसी तरह 2 सेट और लगाएं। 1 सेट के बाद आप 1 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था फोरआर्म्स वर्कआउट। इसे आप डेली कर सकते हैं। अगर आप डेली नहीं कर सकते तो हफ्ते में कम से कम 3 बार ज़रूर करें। अगर आपने 1 महीने तक इस वर्कआउट को फॉलो कर लिया तो आपके फोरआर्म्स बड़े, तगड़े, मजबूत और कटिंगदार बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी फोरआर्म्स एक्सरसाइज की, किस तरह से आप घर पर ही फोरआर्म्स बड़े कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जिसे देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय दोस्तों।